नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के एक और वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि औरत की कौन सी एक चीज भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन हो जाएगा तबाह बर्बाद और आप उम्र भर पछताते रहोगे। दोस्तों, दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन के स्वास्थ्य और काम को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत ताजगी भरी होगी तो पूरे दिन खुशियां बनी रहेंगी। एक और जहां कुछ आदतें सेहतमंद बनाती हैं, वहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं। दोस्तों, सुबह सोकर जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठकर पानी पीते होंगे, कुछ मेडिटेशन करते होंगे, कुछ वर्कआउट करते होंगे, तो कुछ मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे। एक और जहां ये आदतें आपको सेहतमंद जीवन शैली का हिस्सा बनाती हैं, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में हुए एक सर्वे और चाणक्य नीति के मुताबिक दिन की शुरुआत हमारे दिन भर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत ताजगी भरी होगी तो पूरा दिन खुशनुमा बने रहेगा। एक और जहां कुछ आदतें सेहतमंद बनाती हैं, वही कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कौन से काम है जो सुबह उठने के बाद भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, नंबर एक है धूम्रपान करना। यूं तो धूम्रपान चाहे किसी भी वक्त किया जाए नुकसानदायक ही होता है, लेकिन सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद सिगरेट पीना बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। इससे कैंसर होने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। और मित्रों, नंबर दो है शराब पीना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत शराब पीने से ही करती हैं। सुबह उठने के साथ ही शराब पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और मित्रों, नंबर तीन है लड़ाई झगड़ा करना। दिन की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए। सुबह उठने के साथ ही किसी के साथ उलझ जाना सही नहीं है, इससे दिन भर आपका मूड खराब ही रहेगा और आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और मित्रों, नंबर चार है काफी पीना। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत काफी के कप के साथ करते हैं, पर विशेषज्ञों की मानो तो सुबह काफी पीने से कार्टिसोल, एक हार्मोन्स का नाम है जो प्रोटीन हो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाता है, लीवर बढ़ जाता है। काम की शुरुआत करने के बाद काफी का सेवन करना फायदेमंद होता है। और मित्रों, नंबर पांच है मसालेदार खाना। सुबह के समय बहुत अधिक मसालेदार खाना खाने से परहेज करना चाहिए। सुबह के समय जितना हल्का और पौष्टिक खाना खा सके उतना बेहतर है। और मित्रों, नंबर छह है दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान शुभ और प्रिय माना गया है। यदि आप हिंदू शास्त्रों की बात माने तो आपको सुबह उठकर कभी भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से महिला के द्वारा दी हुई आपको बद्दुआ आपका जीवन बर्बाद कर सकती है और आपसे सभी देवी देवता रूठ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको सुबह उठते ही कभी भी किसी महिला से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हाँ तबाहो बर्बाद हो जा।